अस्सलामुअलैकुम जी, ये आज हम ये दारुल अमान की इसके बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। ये भेल बरादरी है, हिंदू बरादरी जिसे अकलियत भी कहा जाता है। इनकी एक बच्ची 13 साल की बच्ची है जो घर से निकली है, तो एक दो दिन इन लोगों ने ढूंढा है, इधर उधर ढूंढा, फिर पता चला कि वो यहाँ दारुल अमान में आ गई है। अब यहाँ पे दारुल अमान में आके ये हम 3 बजे के यहाँ पे खड़े ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर लेके बच्ची को मिलने के लिए। बच्ची के मामू हैं, बाप है बच्ची का, भाई है, सब लोग हैं, और हम लोगों को ना गेट खोला गया है ना बच्ची को मिलने दिया गया है। बच्ची बिल्कुल नाबालिग है, 13 साल की है, और ये बहुत सरासर यहाँ की जो सुप्रीडेंट है, वॉइस सुप्रीडेंट है, वो पता नहीं कहाँ गई हुई है। यहाँ पे सिर्फ प्योन है। क्या यहाँ पे बच्चियाँ महफूज हैं? क्या यहाँ पे आने वाली बच्चियाँ, इनको हमें ये पता है, पक्का पता है कि यहाँ पे बच्चियाँ रहने वाली महफूज है? कि जब तक यहाँ पे उनकी कोई सरबराह ही नहीं होगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? और उस बच्ची ने तो ये बता रहे हैं जैसे कि उसने तो आज तक घर का दरवाज़ा इनके बाहर उसे पता ही नहीं है, और ये दारुल अमान भी ये लोग ढूंढते ढूंढते बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँचे, तो बच्ची कैसे पहुँच गई? अब कोई ना कोई नया ड्रामेबाजी कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। 3 बजे से हमें खड़ा किया हुआ है, 5 बजने वाले, हमें ना मिलने दिया जा रहा है, ना कोर्ट के ऑर्डर को माना जा रहा है। ये किस किस्म का इंसाफ है? मेरी गुजारिश है, भले ये हिंदू बिरादरी है, हम मुसलमान हैं, मगर जो इज्जतें होती हैं वो सबकी साझी होती हैं। आइए आज आप इन लोगों का साथ दें, इनकी बच्ची है, इसका मतलब हमारे पाकिस्तान की बच्ची है, इन लोगों का साथ दें, बहुत मेहरबानी। बेटी 9 तारीख को दिन 11-12 बजे लापता हुई। जैसे इन्होंने ढूंढने की कोशिश की, ढूंढते रहे शाम तक, इन्हें नहीं पता चला। फिर ईद आ गई, ऊपर भी ये परेशान कि इनकी बच्ची अगवा हो गई है, किसी ने मार के फेंक दिया है। किसी तरीके से हमें पता चला, थाने के ज़रिए पता चला कि बच्ची आपकी दारुल अमान है। तो ऊपर ईद की छुट्टियाँ थी, आज जैसे कोर्ट में रास्ता आर्डर मिलते मिलते 3:30 बाद ईदे पहुँचे, तो इनको क्या पता, अकलियत वालों को ज़िंदगी में पहली बार ये लोग इधर आए हैं कि कौन सी बिल्डिंग, दारुल अमान पूछते पूछते पैदल इधर पहुँचे, तो इधर मिलने नहीं दिया जा रहा। मैं मैडम पहुँचे हैं तो हमने ऑर्डर भी दिखाए, कहते जी नहीं मुलाकात हो सकती, आईडी कार्ड भी अंदर भेजे, आईडी कार्ड दिखा के वापस है, वो फॉर्मेलिटी पूरी करके। हम ये कहना चाहते हैं कि ये भी इंसान हैं, 10 नस्लें 10 पुश्तें इनकी पाकिस्तान में गुजरी हैं, यही चोलिस्तान रोही को आबाद करने वाली कौम है, असल पाकिस्तानी हैं। अगर इनकी भी इससे सबकी बराबर होती हैं, सब बच्चियों वाले हैं, चाहे वो अंदर अमला है, चाहे कोई बड़े बड़े ओहदों पे फायज, उनकी भी बच्चियां हैं।